हेलो वेलकम सी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को देखे ताकि सारे चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यू आपके रिवाइज हो सके तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इनट्री वैल्यूएशन तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ डील करता है ए एस थ्री ए एस टू ए एस इलेवन या ए एस फोर्टीन तो मैं आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका मतलब बताता हूँ ए एस थ्री जो है दैट इज रिलेटेड विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ए एस टू जो है दैट इज़ रिलेटेड विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन ए एस इलेवन इज़ रिलेटेड विद फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन्स एंड ए एस फोर्टीन इज़ रिलेटेड विद द अमाल तो हमको यहाँ पे पूछा गया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा वो होगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं द पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस इज कॉल्ड एस डैश तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो हायर परचेज गुड्स को सेल करता है उसको हम हायर परचेज का जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या कहते हैं हायर परचेज कहते हैं हायर वेंडर कहते हैं कंसाइनर कहते हैं कि आर्बिट्रेटर कहते हैं तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक बंदा जो है वो गुड्स को सेल कर रहा है जो भी जो भी पर्सन गुड्स को सेल करता है उसे हम वेंडर कहते हैं वेंडर का ही दूसरा मतलब है सेलर तो राइट right आंसर इसका बनेगा हायर वेंडर तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट डैश तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्या ढूंढते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढते हैं कि नेट लॉस ढूंढते हैं तो काफी सिंपल है देखो ट्रेडिंग अकाउंट पे आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसके बेसिस पे वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जाते हैं इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑफिस रेंट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश आपका एरिया रहेगा उसके बेसिस पे रेंट डिसाइड होता है तो दैट इज वाई एरिया ऑक्युपाइड विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट तो देखो वेजेस अगर आप पेड करने वाले हो तो इट्स एन एक्सपेंस फॉर यू अगर आपके लिए वो एक्सपेंस है तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट नहीं आएगा क्योंकि रिसीट कब आता है जब आपको पैसे मिलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वी आर पेइंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी अगर आप नई मशीन परचेस करने के लिए वेजेस पे करते हो तो उसके बेसिस असेट तो असेट अगर है आपके पास असेट अगर आप परचेस कर रहे हो उसके ऊपर आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो तो दिस इज वन टाइम एक्सपेंडिचर एंड अगर वो वन टाइम एक्सपेंडिचर है तो उसे हम क्या कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा डैश सोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट या अकाउंट होता है जो हमें कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देखो इसमें बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं तो दे विल सी वॉट नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए राइट आंसर प्रॉफिट एंड लॉस होगा ऐसा नहीं है अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखाने वाला जो स्टेटमेंट होता है दैट इज बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन है द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस तो अभी हमने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है बैलेंसिंग फिगर हमें बैलेंसिंग फिगर मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेकिन आपको ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है वो हमेशा आपको कौन सा बैलेंस दिखाता है वो यहाँ पे पूछा है डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट या नन ऑफ द अब तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है वो हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही दिखाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाएगा डेबिट बैलेंस दिखाएगा और अगर ऑप्शंस में आपको पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या मिलता है तो बैलेंसिंग फिगर मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दो क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए तो राइट right आंसर आपका यहां पे बनेगा डेबिट बैलेंस क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग एक्सपेंसेस हायर एक्सपेंसेस या ओकेशनल एक्सपेंसेस तो काफी सिंपल क्वेश्चन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग लेवल पे चलता है हमेशा चलते रहेगा ऐसे एक्सपेंसेस बार बार

पेमेंट करते हैं जब हायर परचेज का एग्रीमेंट बनाते हैं या हायर परचेज में जब हम कोई भी गुड्स को परचेस करते हैं तो जब हम इनिशियल अमाउंट को पेमेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है इज इट कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस डाउन पेमेंट या लमसम प्राइस तो इसका राइट right आंसर बनेगा उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट तो इट इज़ कॉल्ड एज डाउन पेमेंट मतलब आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट पेमेंट की पेमेंट करते हो और बाकी के जो पैसे हैं वो आप इंस्टॉलमेंट में पेमें पेमेंट करते हो इंटरेस्ट के साथ तो वही इस चैप्टर में कैलकुलेट करना पड़ता है और वो जो आपने स्टार्टिंग में एक लमसम पेमेंट किया है इट इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ध्यान से तो हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है दैट इज एस टू तो अभी इसमें पूछा है आपको रेवेन्यू रिकोगशन के लिए ए एस वन ए एस टू ए एस टेन या ए एस नाइन तो याद रखना है आपको दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कौन सा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकोग्शन का होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन तो दिस इज दी व्हिच विच हैव डिस्कस अपटिल नाउ वी हैव डिस्कस ट्वेंटी एमसीक्यूज टेन एमसीक्यूज इन द फर्स्ट पार्ट एंड टेन एमसीक्यूज इन द सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आपको एम सी क्यू सीरीज मिलते रहेगी तो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि अगले बार आपको टाइमली नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले वहां पर मैं इसके सबके पी डी एफ शेयर करने वाला हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर्म दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय टेक